आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में गंगा का पानी लगातार बढ़ने से पानी से कई गांव डूब गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नाव पर बैठकर विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी स्तर तक निरीक्षण किया गया। विकास खंड रेवतीपुर के बाढ़ प्रभावित, आपको बता दें कि गाजीपुर के गंगा नदी किनारे लगभग एक दर्जन गाँव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। रेवतीपुर, नसीरपुर, नकदिलपुर, दुल्लापुर, रामपुर, हसनपुरा समीर कई गाँव का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने SDM, तहसीलदार, लेखपाल व कोटेदार को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को खाने पीने की पानी व दवा एवं जानवरों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कराई जाए, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए। न्यूज 9 भारत के लिए माताब आलम की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।